दो पल्ला हो या वेंटिलेटर के पल्ले हो, वो किस तरह से जो कि चौखट पे उसका निशान वगैरह लगाया जाता है, वो जो कि वेंटिलेटर हमारा चौड़ाई जितना है ना दोस्तों उसकी उसी के साइज में हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। तो हमने किल्ली जो है कि वो हमने मार्कर रेडी करके रख लिया। जैसे देखिए कुछ इस तरह से हम इसके दूसरे साइड भी कटिंग करेंगे सेम उसी तरीके से, देखिए कुछ इस तरह से कर रहा था तो इसका लकड़ी का टुकड़ा जो उड़ के आके जो कि देख सकते ये वाला टुकड़ा जो कि उड़ के आके हमारा ट्राइपॉड पे लग गया और बहुत ही ज़्यादा फिर टाइट हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये लास्ट वाला पल्ला जो कि थोड़ा सा लग रहा है साइड साइड पे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को असम वुड कट पेंटर चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा जो कि एक विंडो पल्ला हो या वेंटिलेटर के पल्ले हो, वो किस तरह से जो कि चौखट पे उसका निशान वगैरह लगाया जाता है, तो वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आज बिल्कुल अकेले में ही बिना हेल्पर की मदद से जो है कि मैं इस वेंटिलेटर के पल्ले को जो कि निशान लगाऊंगा और निशान लगा के इसको जो कि हम जो कि कटिंग वगैरह करने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको जो कि निशान वगैरह लगाने का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो कि वेंटिलेटर चारों वेंटिलेटर के पल्ले जो कि यहाँ पे हमने लेके रख लिया हूँ, तो अभी हम इसको जो कि हम निशान वगैरह लगाने का काम करेंगे। तो इस देखिए यहाँ पे हम इसी जगह पे जो कि हम वेंटिलेटर का पल्ला जो कि फिटिंग करने वाले हैं। और दोस्तों ये विंडो का पल्ला तो मैंने पहले फिटिंग करके रेडी करके रख लिया था, तो अभी जैसे इसके वेंटिलेटर के पल्ला पे जो कि निशान लगाने का काम शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोग देखिए मैं इसको निशान किस तरह से लगाता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो कि वेंटिलेटर हमारा चौड़ाई जितना है ना दोस्तों उसकी उसी के साइज़ में हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। तो हमने दोस्तों यह निशान लगा रहे हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों आपका वेंटिलेटर के पल्ला का जो साइड का फ्रेम जो है साइड का छोटा बड़ा हो सकता है, तो आपको इसके जो कि एक जो बराबर नाप के उसको बराबर में करना है, दोनों के बीच में हमको जो कि बराबर साइज में दोनों तरफ से लेना है। तो हमने इसका उसी तरह से सेम उसी तरह से दोनों साइड का ले लिया हूँ और इसकी ऊंचाई जितने हैं हम उसका भी ऊंचाई का भी नाप ले लिया हूँ और नाप लेके हम यहाँ पे एक निशान लगा रहा हूँ नीचे साइड में। तो दोस्तों ये जो हम देखिए हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के एक जो कि एक किल मार दिया हूँ वहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से किल मारने से क्या होता है दोस्तों, आप जो है कि बिल्कुल अकेले में ही वेंटिलेटर के पल्ला को जो है कि चौखट पर रख के उसको निशान वगैरह लगा सकते हैं, वरना दोस्तों इस तरह का पल्ला खिड़की पल्ला या वेंटिलेटर का पल्ला दोस्तों बिल्कुल अकेले में निशान लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल दोस्तों अकेले में लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से अगर खिल्ली आप ये देखिए इस तरह से मैं खिल्ली मार रहा हूँ दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से खिल्ली मारते हुए जो अगर आप निशान लगाते हैं ना तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल अकेले में ही आप निशान लगा सकते हैं, बिल्कुल भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए मैं किस तरह से जो कि निशान लगा दूँ, तो चलिए सबसे पहले मैं इसी तरह से चारों पल्ले पे जो इस तरह से निशान लगा के जो कि लोहा के कील जो है वो लगा के चारों पल्ला पर रेडी कर लेता हूँ, फिर उसको जो कि मैं इसका निशान भी जो लगा के मैं आप लोग को दिखाऊँगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसका निशान लगा के जो कि मैं इसका जो कि चारों साइड हम कटिंग भी करेंगे, वो भी कटर मशीन से कटिंग करेंगे। कटिंग करके इसको साइड में हल्का सा रन्ना मारकर जो कि चौखट पर एडजस्ट करेंगे हमें, तो हम इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे तभी जो हमारा फिट होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमने जो कि देखिए लोहे का किल्ली जो है कि हमने मारकर रेडी करके रख लिया। जैसे देखिए कुछ इस तरह से हमने साइड साइड जो कि हमने चौखट के साइज़ में निशान भी लगा के रख लिया है। तो अब चलिए दोस्तों मैं इसको चौखट पर लगा के दिखाऊँगा कि आप लोग किस तरह से जो है कि चौखट पर निशान लगा कर इसको जो है कि निकल सकते हैं आप अकेले में ही, वो भी दोस्तों किस तरह से निशान लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो कि जो लोहे का खिल्ली लगाया हुआ था उससे उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे बैठा दिया हूँ। तो बैठा देने के बाद दोस्तों आपका पल्ला जो कि बिल्कुल नीचे में झुलकर गिरने वाला नहीं है, वरना अगर आप लोहे का किल इस तरह से नहीं लगा के आपको बिना किल मारे ही आप इस तरह से चारों निशान लगा के बैठा के निशान लगाते हैं ना, तो अकेले में आप लगाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल वस्तु ना बहुत ही मुश्किल होने वाला इस तरह से। और दोस्तों इस तरह से अगर लगाते तो एक आदमी अंदर के साथ रहना पड़ेगा और एक आदमी बाहर के साथ। दोस्तों मैं इस तरह से अंदर साइड से लगा सकता रहा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ग्रिल वगैरह लगा के रखा हुआ था, उसका वजह हमने नहीं सका। तो यहाँ पे हमने दोस्तों देख सकते हैं हमने चारों पल्ला पे जो कि निशान चौकट का साइज में निशान लगा के जो कि फाइनली रेडी कर लिया। देख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल का निशान दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लोहे का किल्ली जो मारा हो तो हमने निकल के साइड कर लिया हूँ। तो दोस्तों अब चलिए इसको जो कि निशान लगाते हो चुका है रेडी, अब इसको जो है कटर मशीन की मदद से जो है कटिंग करने का काम शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे कटर मशीन ले लिया हूँ दोस्तों, ये देखिए हमने साइड पे जो है निशान लगाया था उसी निशान के बराबर में हम इसको कटिंग कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया, इसको पलट के हम इसके दूसरे साइड भी कटिंग करेंगे सेम उसी तरीके से, देखिए कुछ इस तरह से। दोस्तों जैसे मैंने जो कि इस वेंटिल के पल्ले पे जो कि कटर मशीन से कटिंग कर रहा था, तो इसका लकड़ी का टुकड़ा जो उड़ के आके जो कि देख सकते ये वाला टुकड़ा जो कि उड़ के आके हमारा ट्राइपॉड पे लग गया और हमारा देख सकते ट्राइपॉड जो है कि वो टूट गया है। अब चलिए वीडियो शूट करने के लिए भी प्रॉब्लम होने वाला है दोस्तों हमें, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कुछ और न्यू ट्रिक अपनाते हैं।
तो दोस्तों मेरा जो कि वीडियो शूट करने वाला ट्राइपॉड जो कि वो फाइनली टूट चुका है। एक उसका पैर जो कि तीन पैर में से एक पैर उसका चला गया, तो अब हम वीडियो शूट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैंने जो कि एक विंडो पल्ला रख कर जो कि उस पर हमने मोबाइल को उसी जगह पर रख के जो कि अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों लकड़ी टुकड़ा ऐसे कटिंग किया, जो कटिंग करने के बाद ऐसे जो कि झटका लग के उड़ के गया सीधा मेरे मोबाइल पे लगा, लेकिन मोबाइल पे तो कुछ नहीं हुआ, मोबाइल तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेरा ट्राइपॉड जो कि फाइनली चला गया। तो चलिए फिर भी दोस्तों इसी तरह से हम जो कि चारों ओर इसी तरह से कटिंग कर लेंगे, वेंटिलेटर के पल्ले को हम इसी तरह से चारों ओर कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद जो कि हम इसको हल्का सा रन्ना मारेंगे साइड साइड पर, चारों ओर रन्ना मारना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा सा जो कि इसको हम स्लोपिंग में बनाएंगे, तो एक साइड को हम निशान के बराबर में पहले रन्ना मार लेंगे, फिर उसका थोड़ा सा जो कि अंदर साइड में स्लोपिंग करेंगे। ज़्यादा स्लोपिंग नहीं करना है दोस्तों, हल्का सा स्लोपिंग करेंगे अंदर साइड में। ये देखिए कुछ ऐसे हम मारकर जो कि साइड में स्लोपिंग कर लेंगे, चारों साइड स्लोपिंग करेंगे। उसके बाद जो कि हम चौकट पर लगाकर चेक करके देखेंगे सही तरह से हमारा जो कि रन्ना मार के सही तरह से हुआ है कि नहीं। अगर सही तरह से नहीं हुआ तो फिर उसको दोबारा से हल्का सा रन्ना मार के उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो पे। दोस्तों आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों मैंने फाइनली जो कि रन्ना मार के चारों साइड रेडी कर लिया, हमने चारों पल्ला को रन्ना मार के फाइनली रेडी कर लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों अब इसको जो कि चौकट पर लगा के देखते हैं कि जो कि मेरा पल्ला इस चौक यहाँ पे भेंट का पल्ला जो कि चौकट पे सही तरह से फिट हो पाता है कि नहीं। तो चलिए आप लोग बने रहे वीडियो पे। दोस्तों ये हमने ले लिया एक पल्ला यहाँ पे लगा रहे कुछ इस तरह से, तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरह लगा दिया। तो दोस्तों हमारा पल्ला जो कि फाइनली सही तरह से फिट हो गया, देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने ओपन क्लोज करके देखा हल्का सा, तो सही तरीके से फिट हो रहा है। अभी हम दूसरा वाला भी ले लिया हूँ, तो देख सकते हैं ये भी हमने कुछ इस तरह फिटिंग कर दिया, तो ये भी हमने सही तरह से हो चुका है, ज़्यादा जो कि टाइट नहीं हुआ, हल्का सा लूज है। तो लूज ही रहना है दोस्तों, टाइट नहीं रहना, क्योंकि इसको कलर करने के बाद बहुत ही ज़्यादा फिर टाइट हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये लास्ट वाला पल्ला जो कि थोड़ा सा लग रहा है साइड साइड पे, तो हम इसको जो कि हल्का सा रन्ना मार के इसको ठीक करेंगे। दोस्तों हम इस सारे वेंटर का पल्ला और विंडो का पल्ला जो कि अभी हम जो कि इसको हैंगे सुगरा लगा के इस पर फिटिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों हम इसको पहले यहाँ पे इस तरह से चेक करके अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो कि इस पर हम कलर मारने वाला हूँ, कलर करके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कंप्लीट कर लेने के बाद जो है कि इस पर ग्लास फिटिंग करेंगे। ग्लास फिटिंग करने के बाद ही हम इसको जो है कि चौकट पर फिटिंग करने वाले फाइनली। तो उससे पहले हम इसको फिटिंग नहीं करने वाला, पहले इसका हम सारे जितने पल्ले हैं सारे एडजस्ट करके हम रेडी करके सही रखेंगे। तो हमारा ये वाला पल्ला जो सर फाइनली हो चुका है लगभग फिटिंग, हल्का सा जो लग रहा है, तो हम और थोड़ा सा मार लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पल्ला को जो है रेडी करके रख लिया हूँ दोस्तों। इसी तरह से जो सारे पल्ला को फिटिंग करके हम रेडी करेंगे, उसका कलर करने के बाद ही हम इसको फिटिंग करने वाला। तो दोस्तों हमारा पल्ला देख सकते हैं चारों भेंडे का पल्ला जो कि फाइनली फिटिंग करके हो चुका है रेडी, देख सकते हैं कुछ देर से फिटिंग करके हो चुका है तैयार। तो आप लोगों को कैसे लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमने ये जो पल्ला यहाँ पे फिटिंग किया आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अब चलिए इस विंडो पल्ला को भी जो कि हम यहाँ पे चौकट पर लगा के देखते हैं जो कि लगने के बाद किस तरह से दिखने वाला है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो पे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फाइनली जो कि विंडो पल्ला को भी जो कि लगा दिया हूँ चौकट पर, और विंडो पल्ला और विंडो का पल्ला दोनों ने फिटिंग करके आप लोगों को दिखा दिया। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा विंडो का पल्ला और विंडो का पल्ला का डिजाइन जो कि आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।